इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने जरा तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर उस घर वल तक जिस घर दे अंदर मेरे सोने ने कदम रखिया। ऐ मेरे परवरदिगार ए कौन? अल्लाह फरमांदे ने इनू आमिना दा चन कहंदे ने, इनू अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम कहंदे ने, इनू बदरुद्दुजा कहंदे ने, इनू शमसुज़ुहा कहंदे ने, इनू सुल्ताने दी कहंदे ने, इनू माहे जबी कहंदे ने। ए मैं अपना सोना, मैं अपना कमली वाला कायनात दे अंदर पहला भेज दिता, ते मैं क्या सोनिया तू जरा दुनिया ते चलना, ते जदों मेरा सोना दुनिया ते आएगा ते फिर मैं एदे सीने दे अंदर अपना कलाम सजावांगा। ए मेरा कुरान सजदा है ते मुस्तफा दे सीने विच सजदा है। ओए मियां अगर तालिब इल्म वल तवज्जो करें ते मैनू ए जुमला कहन देना, मैनू इंज लगदा मस्जिद कहंदी है ए कुरान या मुस्तफा दे सीने विच सजदा है, ते या एदी निस्बत दी वजह तो एदी उम्मत दे सीने विच सजदा। और कुरान है क्या? अब ये कहते ना कुरान 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 मेरे मुस्तफा के बगैर लौ से नीचे नहीं आ सकता, मेरे मुस्तफा के बगैर समझ कैसे आ सकता है? ओ भाई कुरान को समझने के लिए ये जो किताबों में है और आग पे है ये खामोश कुरान है, मेरा मुस्तफा बोलता हुआ कुरान है, मेरा मुस्तफा चलता हुआ कुरान है, मेरा मुस्तफा बोलता हुआ कुरान है, बात करता हुआ कुरान है। कुरान मजीद ने ऐलान किया, कुरान कहंदा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही। ए कुरान एदे विच शक कोई नहीं। अब जरा तालिब इल्म दी गल नूं समझना, जिवें अलहमद तो लैके वन्नास दी सीन तक कुरान विच शक कोई नहीं, इसे तरह सिर तू लैके पैरां तक मेरे नबी विच भी शक कोई नहीं। कुरान भी ला रहे ते मेरा मुस्तफा भी ला रहे, कुरान भी बेऐबे ते मेरा मुस्तफा भी बेऐबे। नहीं यकीन आंदा ते जरा गौर करना कैसा मंजर होएगा जदों मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सारे मक्के नू इकट्ठा कर लिया ते हुजूर कहंदे ने गल सुनो, मैं 40 साल तुहाडे विच गुजारे ने, 40 साल दे अंदर दिन भी ते आए ने ना, 40 साल दे अंदर रातां भी ते आईयां ने ना, 40 साल दे अंदर लम्हे ते पल भी ते आए ने ना, 40 साल दे अंदर धुप्पां भी लगियां ने ना, 40 साल दे अंदर बारिशां भी वसियां ने ना, तूफान ते हनेरियां भी आईयां ने ना, ते 40 साल मेरी जिंदगी तुहाडे सारियां दे सामने वे। अगर कोई मुहम्मद दी ऑब्जेक्शन है वे ते जरा उंगली खड़ी करो ना, ते सारे मक्के वाले बोल के की कहंदे ने, मैं अपने लफ्जा विच कहना मक्के वालिया ने आख्या होएगा कमली वालिया
चन दे सीने विच ते दाग हो सकता है पर मोहम्मद तेरी सीरत विच कोई दाग नहीं हो सकता। इतना इतना भरोसा और इतना कामिल यकीन, इतना कामिल यकीन, खुदा की कसम सुनो ओ भाई, बंदा भावें पीर है भावें मौलवी है, जिड्डा मर्जी भी सोह दो तकवे का पहाड़ है ना, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि ओदी रात का किसी नूं पता लगे। इत्थे बनदी है उंज भावें कहो भावें ना कहो, ये बड़े पीर साहब हैं, बड़े मौलाना साहब हैं, वो कहेंगे कि मेरा दिन लोगों के सामने होना चाहिए जिसमें मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तिलावत कर रहा हूं, जब रात को मैं लाइट ऑफ करूं तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, और पूरी कायनात में ये सिर्फ मकामे मुस्तफा है कि लोगों के दिन इतने रोशन नहीं, मेरे मुस्तफा की रातें जितनी रोशन है। खुदा की कसम, एक एक पल मेरे नबी का, एक एक लम्हा लोगों के सामने, बोलो लोगों के सामने। हुजूर बैठे ने मजमे विच, सहाबा सारे बैठे, एक बंदा कहंदा कमली वाले तुहानू औरतां विचों सब तो ज्यादा किदे नाल मोहब्बत है? बंदा को सानू पूछे ते असी दस सकने जी, बोल ते छड़ो, किन्ने दसना है? वो छड़ो जी मौलवी जी, यहो जी गल्लां करी दियां, छड़ो जी, नाले को सच्ची होवे ते करे इल्ला माशाअल्लाह। आका, आपको बीवियों में से किससे ज्यादा मोहब्बत है? हुजूर सरेआम कह रहे हैं मुझे ऐशा से ज्यादा मोहब्बत, क्योंकि आज उल्टी गंगा बह रही है। हमने गैरत को बेगैरती बना दिया है, बेगैरती को हमने गैरत बनाया हुआ है। अपनी बीवी से लव प्यार मोहब्बत का इजहार करना यह शर्मिंदगी वाली बात नहीं, सुन्नत मुस्तफा है। लेकिन बीवी भी वो हो ना कि हुजूर ने फरमाया कि घर खामद आवे इंज बीवी वालों वेखे उदा दिल खुश हो जाए, उदा दिल ओ ना ना होवे भी जदों खामद आवे तो सड़ी मुसी रवे, चिग्गा होर, ट्यूजर होर, सिर ते दुपट्टा होर, फंक्शन ते जाना तो फिर अपने आप को सैट करना शुरू कर देना, फिर खामद ते आपे सड़ना है, उन्हों तो मौत पैनी है फिर तेरे निकलन लगे। हाँ, बेपर्दा कल नजर जो पड़ी चंद बीबियां, अकबर जमी में गैर ते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। आज भी अगर सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अपने घरों में माहौल पैदा किया जाए तो यही बीवियां, यही खामद, यही घर, मैं गारंटी से कहता हूं जन्नत बन सकते। लेकिन कब बनेंगे? जब हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे। बोलो, जब हुजूर की सुन्नत पे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, जब कुरान पे अमल करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं गुजारिश कर रहा सा जिमें कुरान ला रहे बे, एवें मेरा मोहम्मद ला रहे बे, जिमें कुरान बे है बे, इसे तरह मेरा मुस्तफा भी बे है बे। कोई जिन्ना मर्जी जोर लाए
ना कुरान च कोई ऐब कढ सकदे ते ना मेरे मुस्तफा दी सूरत ते सीरत विच कोई ऐब कढ सकदे। एक आदमी काम करदा सी किताबत दा, जदों हथ कलम नाल लोकी लिखदे सन अल्लाहु अकबर कबीरा, ते उहदे कोल आए ईसाई, उन्होंने कहा साडी इंजील दी किताबत कर दे। उन्हें किताबत करद्या करद्या ना कुछ चंद एक गल्लां विच अपने कोलों पा दित्तियां, कुछ विचों कढ लईआं। वो लैण आए, उन्हें आखिया जी लो, उन्हें किताब लई लै के, क्या बात है जी, बड़ी सोहनी लिखी। बाद यहूदी आ गया, ए साडी तुरात है यार, इनू जरा लिख दे। उहदे विच भी उन्हें कुछ कढ़िया कुछ पाया, उन्होंने वापस कीती, इसी लै के टुर गए। मुसलमान आए, उन्हें आखिया यार कुराने मजीद के कुछ नुस्खे लिख दे। उन्हें यही काम कुराने मजीद नाल कीता। वो जो मुसलमान लैन आए, उन्हें आगे जो पढ़िया, उन्हें कुरान पढ़ के ना तो ठप के साइड से रखे, तो उसकी फेंटी लानी शुरू कर दी। फिर मुसलमान तो होए ना, ये तुहाडी फेंटी तो ही काम सारा खराब हुंदा है कि तुसीं पुछदे बाद जो फेंटी पहला लाते हो। इस्लाम की फितरत को हो कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा, हाँ जितना के दबा देंगे ओए उतना ही ये उभरेगा, हाँ जितना के दबा देंगे। उन्हें जो मारिया कुटिया, उन्हें क्या सानू क्यों मार रहे हैं, वो क्यों मार दे हो? उन्हें क्या इतने जहर है, तू जबर क्यों पाई है? आए वो यार है तो इतने एंजे, तू मामा लगना बिचों कढ़न का, वो क्यों कढ़ी? उन्हें क्या मैं तजर्बा ही करना सी, कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहना, क्योंकि मैं समझदा ऐसा कि दीन वही सच्चा होगा जिसकी किताब महफूज होगी। आहा, आहा, जिसकी किताब अल्लाह दी कसम, रब ने एडी सोहनी थां ते कुरान रखिया है। तवज्जो करना, गौर कर तालिबे इल्म दी तरफ, जेड़ा सिर ते पगड़ी बने निस्बत मेरे मुस्तफा वाल, अगर दाढ़ी रखे निस्बत मेरे मुस्तफा वाल, और नमाज पढ़े निस्बत मेरे मुस्तफा वाल, ते जिदे सीने विच कुरान होएगा, अल्लाह फरमांदे ने मैं क्यों ना तेरे सीने दी अजमत बयान करा, क्योंकि तेरे सीने दी निस्बत कुरान वल भी हो गई है, ते मुस्तफा दे सीने वल भी हो गई है। ये कुरान कोई मामूली चीज है? क्यामत दा दिन होएगा जो अल्लाह तबारक व ताला सारे लोगों की सिफारिश कबूल करन लग पैणगे, अपने इज़न नाल अपने हुक्म नाल दस बंदे खलोते होणगे लैन च लगे, अल्लाह पाक एक नूं सद्दणगे, इधर आ भाई कौन है तू? वो कह गया या अल्लाह मैं कुरान दा हाफिज हाँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसाल के लिए। रब कह गया इन्हें दसा बंदे नूं समझाणना है, फॉर एग्जाम्पल वो हाफिज कुरान कह गया हाँ जी ए मेरे अबू ने, ए मेरा भाई है, ते ए मस्जिद का सदर है, ये बहुत रोटी घट देंदा हुंदा सी, ए मौलवी साहब भी नाल ही ने, ये सेब कल्ले खांदे सन, आउंदे साढ़े नाँ ते सन, दस बंदे फंसे हों। हदीसे पाक में आता है कि उन पे जहन्नम वाजब हो चुकी होगी, ते रब कहेगा गल सुन तेरे सीने से मेरा कलाम, इन्हां दसां बंदियां नूं मैं जहन्नम में सुट्टन लगा जे अज तू आखें ते छड़ देना। ओ जिसने अपने बच्चे को कारी बनाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया, तुम दुनिया में जायदाद, प्लाट, गाड़ियां,
हवेलियां छोड़ के मरते हो, बाद में बच्चे उसे तकसीम करते हैं, उनका तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारा बच्चा हाफिज कारी होगा वो दुनिया में तकसीम नहीं करेगा, तुम्हारी कब्र के अंधेरों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। वो कब्र, यार गल सुनो, आए हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक गल कही है, उन्हें कहा जिस तन लगे सोई जाने। मैं समझाने के लिए बात करता हूँ, इसको मनफी ना लेना। आपने कारी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कुरान पढ़ाया, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बख्शा, इसाले सवाब किया, जायज़ है, दुरुस्त है, होता है, लेकिन जिदा अपना प्यो फौत होया होवे, जिदी अपनी माँ फौत हुई होवे, उन्हूं कहना तो नहीं पैना कि यार मेरे अब्बे नूं जरा सूरत फातिहा पढ़ के बख्श। उन्हें जदों पांच वक्त रब दे दरबार चाह के कहने रब्बना फिर ली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। मेरे मुअज्जज़ सामईन, चौधरी दे दरवाजे ते एक वेरी जाइए नहीं मनदा, दूजी वेरी जाइए नहीं मनदा, ओए मियां दो चार दिन जांदे रहिए, आखिर उन्हूं तरस आ जांदा है। ओ तरस क्यों नहीं करेगा जड़ा जम्मन वाली मां नालों भी सत्तर हिस्से ज्यादा मेहरबान है। ओ तरस क्यों नहीं करेगा कि जड़ा कहंदे बंदिया मैनू अपनी जलालत की कसम है, तेरे आने च ते देर हो सकती है, मेरे राजी होने च कोई देर नहीं हो सकती। मेरे आ बंदिया तू मेरे वाली एक बालिश तो ना है, मैं नौ चल के दस पूरियां, तू मेरे वल पैदल चल के आना, मेरी रहमत तेरे वल दौड़ के जाती है। किन्ने नसीबां वाले ओ मां ते बाप ने, जिन्ना दे पुत्र ते तियां आप तू ठा के कहंदे ने के रब्बना इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, मैं इसका माना ये किया करता हूँ, या अल्लाह जब मैं छोटा जहा हों सा ना तो कदी मैं प्यो के मोढ़े तो पेशाब कर देना है। अजकल तो असं दो चार बारी प्यो नू टॉयलेट चो फिरा के लै भी है तो जिथे बहना इतें वह बस जी हम बुजुर्ग ने टाइम है उन्हों का नहीं, माशाला आप ही करीद क्या कर रहे हो तुम, कितनी तुमने खिदमत कर ली। एक आदमी माँ को कंधे पे उठा के बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और कहने लगा यार रसूलल्लाह मैंने हक अदा कर दिया। आका ने कहा तूने तो एक रात का हक अदा नहीं किया। और बाप जो होता है वो जन्नत का दरवाज़ा है। बोलो बाप क्या है? जन्नत का दरवाज़ा है। या अल्लाह जब मैं छोटा जहा हुंदा सा मैं गाल कढ़दा सा तो मेरा बाप अगों मुस्कुरांदा सी, फखर नाल लोकां नूं दसदा सी अज मेरे पुत्र ने भी है गाल कढ़ी जे, जिन्ने परौने आउंदे सन उहनां सारिआं नूं दसदा सी हैं माशाअल्लाह जी अज इहने मैनूं इह आखिआ तूं कंधे ते पेशाब करें तां हस रिहा है, पेट ते पेशाब करें तां हस रिहा है। अल्लाह मैं गलतियां करदा सां ते मेरा बाप मेरे ते गुस्से नहीं सी हुंदा, मेरे ते रहम ही करदा सी। जिमें बचपन च मेरे ते मेरा बाप रहम करता सी, रब्बा हुण तू मेरे बाप ते उसे तरह रहम करया कर। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, कुरान मजीद का देखना सवाब, कुरान मजीद को सीने से लगाना सवाब, कुरान मजीद की तिलावत का सुनना सवाब, कुरान मजीद को चूमना सवाब। और आप बताएं कि जब सिर्फ़ उसको देखना सवाब है तो उसका मकाम क्या होगा
कि जिसके सीने में कुरान महफूज हो जाए। और सिर्फ ये काफ़ी नहीं, काफ़ी तब होगा कि जब कुरान पे अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। चलो दुरूद पाक पढ़ो। मैं हज़रत बहू रहमतुल्लाह अलैह दी एक रुबाई तुहाडी खिदमत च अर्ज़ करना। तस्बीह फिरी ते इत सुभान अल्लाह ते आखो ना यार। फरमैशी प्रोग्राम में सुभान अल्लाह ते चलदी है ना। तस्बीह फिरी ते ओए जे दिल नहीं फिरे ते की लेना तस्बीह फड़ के इल्म पढ़े जे ते अदब नहीं सीखे ते की लेने इल्म नू पढ़ के पर कुछ नहीं घटे ते की लेना चिल्लिया हाँ वड़ के अब सिर्फ सुने नहीं इसको समझ भी लें। हजरत बहू रहमतुल्लाह अलैह मैसेज क्या दे रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते ने भी जिन्हें सारे तुसी काम कर लो ना जेड़े मैं अगे पढ़े ने रुबाई इन्हों का फायदा कोई नहीं। फायदा कदों होगा, जाग बिना दुध मुसीबत ते भी लेट टेस्ट दौर आ गया है हूँ दुधा नू जाग ही नहीं लगती केड़े अजाब नू असी पै गए हैं। हाय ओए जाग बिना दुध ओए जमदे नहीं बाहू भावें लाल होवन कड़ी कड़के मियाँ जिमें हर दुध जेड़ा बगैर जाग दे जमदा नहीं एवें कोई अमल मुस्तफा दी सुन्नत ते मोर तो बगैर कबूल हुंदा नहीं। कम जेड़ा जजाकल्ला अल्लाह तुहानू खुश रखे। तुसा उंज पैसे एंड ते कढ़े ने मेरा ये पता हुंदा ते हाँ जी मैं फिर इतों ही लगा रहा हजरत हूँ सुटो ना उंजी दे दो तो मैं जरूर खपाना जे मैं बस जजाक अल्लाह भी अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने सफर भी करना है। हाँ जी लाएं दस्तार बंदी करवाएं जी बच्चे।